गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेक्टर का त्रिभुज का नियम जो हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। वो क्या है कि समांतर चतुर्भुज का नियम। जो आपने वेक्टर का सदिश नियम पढ़ा था वही हमारा समांतर चतुर्भुज का भी नियम है। बस उसको हम समांतर चतुर्भुज के जैसा देखेंगे और इसमें हमने त्रिभुज के रूप में देखा था। मैंने यहाँ त्रिभुज के रूप में आपको यहाँ पे मैंने कॉपी से जो है इसको लिया है, बुक से लिया हुआ है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था। उस चीज़ को मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता दूँ, इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं हम। कि जैसे हमने कहा था कि आपके पास कोई एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर ए है, इसकी जो लंबाई होगी वो किससे प्रदर्शित होगी, मॉड ऑफ ए से प्रदर्शित होगी। और एक कोई वेक्टर बी था और यहाँ पे जो है वेक्टर बी है और इसकी लंबाई को हम कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ बी, या फिर बी से चाहे बी लिखिए चाहे मॉड ऑफ बी लिखिए, दोनों में से एक कोई भी लिखेंगे। अब इसको जोड़ना था तो हमने इसको इस कुछ इस तरीके से जोड़ा। यहाँ पे ए आपका था ही ए, और बी को इसके जो है टेल से जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसका जो परिणामी होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, परिणामी यहाँ से होके जाएगा। परिणामी को हम लिखेंगे आर बराबर ए प्लस बी। इतना तो हम जोड़ना पहले से ही जानते थे। अब बताइए अगर वेक्टर के बीच में कोण पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर ये दो दोनों के बीच में कोण कितना है, तो आप क्या करेंगे, टेल से टेल को मिलाएंगे। तो बी को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, बी को ऐसे, इसका टेल जो है इससे लाइए, इसको आगे बढ़ा के ऐसे मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो टेल से टेल मिल गया, ये जो कोण है ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से आपका जो है ए, यहाँ पे ए जो है ये बना हुआ है ए, और बी हमारा इधर है, तो इसको हम आगे अगर ऐसे बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर ए आगे तक गया है और बी इधर, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, थीटा, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, ए होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, बी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी अगर हम इसको ओ मान लें या कुछ और मान लेते, इसकी लंबाई कितनी होगी, आर, इसकी लंबाई कितनी होगी, आर, परिणामी। अब हमने क्या किया था कि यहाँ से एक लंब डाला था, एक यहाँ पे लंब डालते हैं 90 डिग्री का, ये लंब, ये तो ये लंब हो गया और ये 90 डिग्री है, ये बी है, और यहाँ से अगर हम त्रिभुज बना लें, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, तो हमने सी और डी निकाला था, इसकी लंबाई बी है, सी ई भी निकाला था, सी डी भी निकाला था, और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया था। तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने परिणामी निकाला था, परिणामी जो है हमारा ये आया हुआ है इधर, परिणामी मतलब आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है, ये हमारा आया था। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये इसकी लंबाई कितनी होगी इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। मतलब ए की लंबाई पता हो, बी की लंबाई पता हो, तो आप इस फार्मूले में रख देंगे, और इनके बीच का कोण पता हो तो आप इस फार्मूले में रख देंगे, तो आपको जो है इसकी लंबाई कितनी होगी या फिर उस पर कितना बल लगेगा, अगर बल है तो बल आएगा, त्वरण है तो त्वरण आएगा, वेग है तो वेग आएगा, संवेग है तो संवेग आएगा, लंबाई है तो लंबाई आएगी, तो ये हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो हमने यहाँ पे कोण भी निकाला था कि ए के ए से कितना कोण होगा और बी से, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परिणामी, परिणामी परिणामी आर का ए से कोण, यहाँ पे ए है और ये आर है, तो आर का ए से जो कोण हमने अल्फा लिया था वो कितना आ जाएगा, टाइन अल्फा बराबर, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, तो टाइन अल्फा बराबर ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, और अगर ये आप कोण रहे तो ये क्या होगा, लंब होगा, और इधर क्या होगा, आधार होगा।
तो यहाँ तक ए है और इधर हमने निकाला था ए कास थीटा और इधर हमने सॉरी बी कास थीटा और इधर हमने बी साइन थीटा। तो टैन अल्फा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब मतलब बी साइन थीटा बटे आधार जो है कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ए से कोण है तो ये लिख दिया हमने। सिमिलरली अगर हम बी से निकालेंगे तो यहाँ पे बी प्लस करके ले लेंगे तो यहाँ पे टैन बीटा मान के चलते हैं जो हमने निकाला था, इतना हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पे हम जो है आपको इसको नीचे भी कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इधर जो बुक से हमने लिखा हुआ है फार्मूला ये हमने आपको पढ़ाया भी था, इस तरीके का ये हो गया ये। तो परिणामी भी निकल गया और यहाँ पे जो है देखिए टैन अल्फा भी निकल गया। अब ऐसे अगर आप टैन बीटा निकालोगे मतलब किससे, बी से जो कोण है तो बी से मतलब बी ए यहाँ पे जो है हमारा कास थीटा और ऊपर कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा बी से कोण और इधर जो है हमारा परिणामी का सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है तो ये, और आर का ए के साथ कोण अल्फा बनाए तो इतना परिणामी का ए के साथ कोण हो गया। अब इस बात को समझिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक आपको समझने की जरूरत है, ये आर बराबर जो होता है आर बराबर हमने क्या लिखा था ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी लिखा था, ये फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया इसलिए हम इसको अब आगे नहीं डिस्कस करेंगे, ये हो चुका है। आर बराबर ए प्लस बी ये होता है। तो हमने कहा था कि इसमें क्या है, इसमें परिमाण है और क्या है दिशा भी है, इसमें परिमाण है और दिशा है दोनों चीजें हैं एंड दिशा भी। अगर हमको सिर्फ परिमाण चाहिए तो परिमाण किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ आर के बराबर होता है, मॉड ऑफ आर। तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, अब आर का मान कितना है, आर का मान रख दीजिए, आर बराबर कितना है, आर बराबर ए प्लस बी है। तो आर बराबर हम यहाँ पे क्या लिख दें, ए प्लस बी लिख, आर बराबर ए प्लस बी। देखिए ना आर की जगह कितना है, आर की वैल्यू इसी के अंदर डाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आर बराबर ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आर बराबर इसका मान आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज को एक बार फिर से कि आर आपका कितना है और मॉड है यहाँ पे लगा हुआ है ए प्लस बी। देखिए हमने जो है आर बराबर लिखा था ए प्लस बी और इसका जो परिणामी निकाला हमने आर, आर बराबर मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ आर का मतलब आर का मान रख दिया हमने, ये रख दिया। इसको कभी ऐसे भी ना आप नहीं लिखेंगे ए प्लस बी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग मॉड है, ये दोनों को जोड़ के मॉड है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कभी मत करिएगा, ये गलत है। ये बन गया और इसके बराबर आया कितना है, आया है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आया है हमारा, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि आर और मॉड ऑफ ए प्लस बी की जगह हम कब इतना भी लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ ए प्लस की जगह हम आर लिख सकते हैं, या फिर मॉड ऑफ ए प्लस की जगह हम मॉड ऑफ वेक्टर आर लिख सकते हैं। एक चीज और आपको समझ में नहीं आई थी उसमें कि पूछा गया था परिमाण और परिमाण में अंतर, देखिए परिणाम और परिमाण दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट और परिमाण का मतलब कितना आया, कितना मान, कितना या मान पूछ लेता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका हाई स्कूल में परिणाम कैसा रहा, परिणाम परिणाम, तो आप बोलोगे कि मैं फर्स्ट डिवीजन था पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन और पास, ये क्या हो गया आपका परिणाम, आपका रिजल्ट आ गया पास हो गए। परिणाम कैसा रहा, फर्स्ट डिवीजन रहा पास हो गए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब परिणाम पूछेंगे परिमाण पूछेंगे, चलिए आपका परिणाम तो फर्स्ट डिवीजन रहा अच्छा रहा, लेकिन आपका परिमाण कितना है, तो आप बताओगे कि हमारा नंबर कितना है, जैसे 340 नंबर है 600 में, 320 नंबर है 600 में, इस टाइप का। तो ये जो वैल्यू होती है ये बताता है परिमाण,
और परिणाम मतलब रिजल्ट होता है जो आता है आपको, जो लास्ट में मिलता है, जो आपको फाइनली मिलता है, जो सब कुछ होने के बाद मिलता है, वो होता है हमारा परिणाम। कोई काम करते हो तो जो उसका अंतिम रिजल्ट आपको मिलता है, काम अच्छा हुआ खराब हुआ, वो होता है परिणाम। और काम आपने कितना किया है वो होता है परिमाण। जैसे अगर आज आपने जो है वो होमवर्क आपको मिला, होमवर्क आपने कर दिया, होमवर्क करने के बाद आपका सारे क्वेश्चन सही हो गए तो आपका परिणाम अच्छा रहा। और आप आपने कितना परिमाण किया तो आपने 6 पेज या 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम पे। हमारा जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उसको समझिए, यही चीज है। अब देखिए ये बात आपको सभी फार्मूले ध्यान में होने चाहिए कि अगर कहीं मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछा जाए, ए प्लस बी कितना होगा, तो आपको ये लिखना है मॉड ऑफ ए प्लस बी इतना होता है, या मॉड ऑफ आर कितना होता है इतना, आर कितना होता है इतना, या वेक्टर आर बराबर कितना होता है ये होता है। इसको अच्छे से लिख के समझ लीजिए। अब आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए यही नियम है, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम एक ही है। समांतर चतुर्भुज का नियम दोनों एक ही चीज है। ये कैसी है, पहले तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, समांतर हो। आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर है, अगर तर है, आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर है तथा तथा आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री हो तो उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा कैसी होती है, समांतर है, एक दूसरे के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, समांतर है। और इसके और इसके बीच में ये जो समांतर है और ये समांतर का मतलब जैसे ये है वैसे ये हो, ऐसे ही हो, समांतर है मतलब ये और ये दोनों क्या है, समांतर। ये और ये क्या है, समांतर है। दोनों के बीच की हर जगह दूरी अगर बराबर है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो क्या होगी, समांतर रेखा होगी। सभी जगह दूरी बराबर हो तो कैसा हो, समांतर रेखा। अब ऐसे कर लेंगे, ये देखिए हर जगह दूरी बराबर है तो क्या होगा, समांतर रेखा होगी। तो ऐसे ही इनके इनके बीच में दूरी हर जगह क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को हम बना लेते हैं। यहाँ से आपको एक, हमने यहाँ पे दो भुजाएं बनाई, यहाँ पे दो भुजाएं बनाऊंगा मैं समांतर चतुर्भुज, इसको समझिए। एक भुजा हो गई, या थोड़ा सा और इसको सही बनाते हैं, ज़्यादा तिरछा हो जा रहा है, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये। तो देखिए जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उसी कोण पे उसी उसी दिशा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये बोलते हैं आप समांतर चतुर्भुज। इसको बराबर बराबर लगाने से मतलब होता है सभी बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर जरूरी नहीं कि सारी भुजाएं बराबर हैं, ये हमने नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा, भुजाएं अलग अलग होंगी। और आमने सामने के जो कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, इधर आमने सामने का जो कोण है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, तो आमने सामने का जो कोण होगा ए बी सी डी अगर हम करें,
तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण बी प्लस कोण डी ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण। और इसको बोलते हैं भुजा, इसको क्या बोलते हैं, भुजा। इन दोनों को विकर्ण बोलते हैं, इस ये भी विकर्ण है वो भी है, तो दो विकर्ण होंगे, चार भुजा होंगी। भुजा कितनी होंगी, भुजा चार, विकर्ण कितने होंगे, दो। विकर्ण कितने हैं, दो। और दो भुजाएं जब एक दूसरे से जुड़ी हों, देखिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, यहाँ से और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। संलग्न मतलब एक साथ जुड़ी हुई है, संलग्न भुजा बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में तो ये आपको इतनी बातें पता चल गई कि ये होता है। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज का परिणाम कहता क्या है, मतलब उसका नियम कहता क्या है, उसको देखते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं, सब आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम कहता क्या है, उसको देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम यह कहता है कि दो वेक्टर आपके पास हो, वेक्टर ए और एक वेक्टर हम मान लेते हैं बी, इसको हम बी मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं। ये हमारा बी हो गया और एक हमारा हो गया ए। कहते हैं कि अगर इन दोनों वेक्टर को हम समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा से प्रदर्शित करें, आ इसको अच्छे से समझिए कि यदि आपके पास दो वेक्टर दिए गए हों और दोनों वेक्टर को हम समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा से निरूपित करें, तो कहने का मतलब इसको समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा से बना दीजिए। हमने आपको बताया कि संलग्न भुजा क्या होती है, जो एक साथ जुड़ी हो, तो समांतर चतुर्भुज आपको देख लिया। अब इन दोनों को संलग्न भुजा बनाना है, तो बी को आप ऐसे लाइए, बी हो गया, ए को इसके नीचे जोड़ दीजिए, ऐसे हमने जोड़ दिया ये। तो ये आपके पास दो वेक्टर हो गए, दोनों वेक्टर को आपने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की संलग्न। अब इसको समांतर चतुर्भुज बनाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको आगे बढ़ा के और यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये बताइए समांतर चतुर्भुज बन गया कि नहीं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। ये वाली भुजा तीसरी और चौथी समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम क्या करते हैं, उसका नियम यही है कि यदि हम दो सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, ये बताइए ये दोनों एक ही जगह जुड़े हैं, इन दोनों को बोलेंगे संलग्न भुजा। और ये दोनों एक ही जगह जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे संलग्न, यहाँ और यहाँ बोलेंगे संलग्न, यहाँ और यहाँ बोलेंगे संलग्न। तो इस चीज को अब आगे पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा संलग्न भुजा क्या है और हमने कैसे बनाया है, ये बात भी आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा सदिश, ए और बी दिए गए थे अलग अलग, हमने इसको क्या किया समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो कहता है कि यदि दो वेक्टर को, दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उन दोनों का परिणामी, उन दोनों का परिणामी, परिणामी मतलब जोड़ने के बाद आर, आर बराबर ए प्लस बी, ये परिणामी उसके विकर्ण से होके जाएगा, ये परिणामी विकर्ण से होके जाएगा, यही उसका प्रमेय। तो मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों के बाद जोड़ने के बाद जो परिणामी आएगा, ध्यान रखिएगा ये जोड़ने का तरीका नहीं है, इन दोनों को हमने समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ने का क्या है कि एक हेड का दूसरे से टेंथ जोड़िए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर को
ऐसा बना लीजिए कि समांतर चतुर्भुज की भुजा हो जाए, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इसके विकर्ण से होते हुए जाएगा, इसके संलग्न ये जो हाँ भुजा कट करेंगी इसी के विकर्ण से होते हुए जाएगा। मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारा विकर्ण। तो विकर्ण जो आर होगा ये होगा हमारा ए प्लस बी, यही हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी, ए और बी को हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा से निरूपित किया, इसके बाद उनका परिणामी हमने उसके विकर्ण से बना दिया। बस अब आएगा कितना परिणामी उसको निकाल लेते हैं फटाफट। यही जो आपने त्रिभुज में निकाला था वही आप वैसे देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि हमने कहा था कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होंगी, तो अब बताइए यहाँ पे अगर ये आपका B है, ये B है समांतर और बराबर है, ये B है तो इधर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी B होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये इधर ऐसे B बना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या आ जाएगा B, इसकी लंबाई कितनी होगी A, इसकी लंबाई कितनी होगी B, इसकी लंबाई कितनी होगी R। तो अब बताइए वही त्रिभुज बन गया कि नहीं, जो आपने त्रिभुज पढ़ा था वही त्रिभुज बन गया। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बनाया भी है, ये त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज, यही त्रिभुज यहाँ भी बन गया। अब ऊपर वाले को अगर हटा दिया जाए, ऊपर वाले पार्ट को, तो ये त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, इसको यहाँ पे लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे, यहाँ से कोण को हम एल्फा मान लेंगे, ए और बी के बीच का कोण जो कितना था थीटा था, थीटा था, तो थीटा को अब हम ये जब यही सारी चीज़ें करके जब हमने निकाला था, बताइए यही है कि नहीं। अगर सिर्फ अब इसको मैं हट आपको बताता हूँ यहाँ, इतना अगर ऊपर वाला हटा दिया जाए तो फिर से वही त्रिभुज वाला बन जाएगा कि नहीं, इसको अगर हटा दिया जाए तो फिर से त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब ए और बी वही है, सब कुछ वही है, तो अब आपको क्या करना है, परिणामी जो आया था वही परिणामी इसमें भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही परिणामी आएगा जो पहले आता था। परिणामी कितना आया था, आर बराबर, परिणामी आर बराबर आया था, आर बराबर मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही आया था। और थीटा क्या है, ये ध्यान रखिएगा, थीटा जो है ए और बी के बीच में कोण है, ए और बी के बीच कोण, ये ध्यान रखिएगा, कोण ए और बी के बीच कोण है। और यहाँ पे अगर आप टाइन एल्फा टाइन बीटा निकालते हो, टाइन एल्फा या फिर एल्फा कहें, तो एल्फा किसके किसके बीच का कोण है, यहाँ देख के बताइए। एल्फा जो है ये परिणामी है और ये क्या है, ए है, तो परिणामी और ए के बीच का कोण क्या है, एल्फा, परिणामी तथा ए के बीच का, ए के बीच कोण क्या है हमारा, एल्फा। और एल्फा को हमने निकाला था, टैन एल्फा बराबर क्या होता है, ए से अगर कोण निकालना है तो यहाँ पे बी साइन थीटा, ऊपर जो है यहाँ पे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ऊपर जो है क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, यहाँ पे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब बी से निकालना हो तो बी से कर निकल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का नियम का जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वही हमारा त्रिभुज के नियम का परिणाम आता है, दोनों सेम है, बस इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो मैं अब नेक्स्ट पेज में आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ कि दोनों सेम है, वो लगाया भी है, आप वहाँ से देख के कर सकते हो। तो मैं मेरा ये काम था कि आपको इस नियम को अच्छे से समझा दिया जाए कि ये नियम कहता क्या है। फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का आपको जोड़ना है, जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को इस तरीके से ले जाएंगे कि उसको समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से बना दें। जब दोनों भुजाओं से बना देंगे तो इन दोनों का परिणामी इनके विकर्ण से होके जाएगा, और परिणामी का जो परिणाम होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए, ला ऑफ पैरालेलोग्राम, तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का नियम।
यहाँ पे इन्होंने कोण बीटा लिया हुआ है, परिणामी कितना है आर है, तो कोण इन्होंने ए से लिया हुआ है बीटा। अब जो भी आप मान सकते हैं, कोई भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि दो अशून्य सदिशों, अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, कुछ ना कुछ उसका मान हो, अशून्य सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न आसन्न या संलग्न, दोनों एक ही चीजें हैं, संलग्न आसन्न या संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाए, तो उनके उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों का जो बिंदु होता है, जो जहाँ से दोनों कट करते हैं, ए और बी यहाँ जो दोनों कट कर रहे हैं, इस बिंदु से उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद मतलब होता है कट करना, बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उसके परिणामी सदिश को बताएगा। इसके विकर्ण जो है इसके परिणामी आर को बताएगा, अगर ये हमारा बी है इधर हमारा ए है तो इसका परिणामी इसके बीच से जाएगा, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये निकाला भी है तो आप इसको देख सकते हो। एक चीज और यहाँ पे समझिए कि अगर आपको कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो कि आपने देखिए यहाँ से आप फिगर को बना बना के अपने दिमाग में समझा करिए कि यहाँ पे जो इसने कोण लिया है किसके किसके बीच लिया हुआ है, बीटा ये जो है हमारा आर है और इधर कितना है हमारा ए है, तो परिणामी आर होता है, परिणामी आर का ए से कोण इसने बीटा लिया हुआ है। तो हमने अभी इसके पहले क्या लिया था, अल्फा लिया था, तो आप अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, गामा ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, जो आपको मन करे वो ले लीजिए, बस आपको ये पता हो कि हम किससे कोण ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं कि बी से ले रहे हैं कि सी से ले रहे हैं कि डी से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए अल्फा ले के चलते तो आप यहाँ पे अल्फा लिख देते, इसकी जगह क्या लिख देते हैं अल्फा। और अगर आपको अब इसने क्या किया है कि इसने जो है उल्टा लिया है, इसने क्या किया है कि ए से इसने क्या लिया है, ए से जो कोण है बीटा लिया है, और अगर हम बी से हम अल्फा ले लेंगे, एक ही बात है। तो आप लिखने का तरीका होता है कि आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, बस आप बता दीजिए कि ये जो है हमने ये माना हुआ है। तो टाइन अगर इसने बीटा से लिया मतलब ए से कोण लिया हुआ है, और अगर इसने जो है हम अगर बी से लें तो बी प्लस हो जाएगा नीचे, बी प्लस ए कॉस थीटा, ऊपर जो है कितना हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गए। तो आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा कि आपने कोण कहाँ से लिया है, ये बी से कोण है, अब इधर वाला कहाँ से है ए से है। अब आप इधर टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा टैन डेल्टा कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए पूरे के पूरे रिजल्ट वही है, ये वाला रिजल्ट सब कुछ वही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम, वेक्टर के सदिशों का त्रिभुज का नियम दोनों एक ही चीजें हैं, बस उनको दूसरे तरीके से बोला गया है, कहा गया है। तो हमें लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन इसको आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो आपने जोड़ लिया, जोड़ का आपने किया, अब हम क्या करेंगे कि विपरीत का निकालेंगे, घटाना का निकालेंगे। आपने जोड़ का तो देखा, जोड़ का कैसे करते हैं, अब घटाने का समझिए। घटाने का वेक्टर दो सदिशों का घटाना, दो सदिशों के घटाने पर परिणामी, घटाने पर परिणामी कितना आएगा इसको समझिए। घटाने पर जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है और आपके पास एक वेक्टर बी है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसको ले जाओगे, इसके हेड और टेल को जोड़ोगे कुछ इस तरीके से, चाहे इसको ला के यहाँ जोड़िए, चाहे कहीं भी लाइए, चलिए ए को हम अब वैसे ही लाते हैं, दिशा वैसे ही रहेगी, यहाँ पे जोड़ दिया ये ए, और इसका परिणामी किधर होगा, ये होगा, ये बन गया हमारा आर। तो जोड़ना तो आप जानते हो, घटाने के लिए हमने क्या बोला था कि अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए प्लस यहाँ पे माइनस बी कर लेंगे, बी की दिशा को पलट देंगे, तो B की दिशा को पलट दीजिए, B की दिशा को हम ऐसे कर दीजिए, ये हो गया माइनस बी, और A हमारा ये है, A को लाइए इसके पीछे जोड़ दीजिए, तो A जो है ऐसे जुड़ गया, तो ये इधर, तो ये क्या बन गया हमारा B, ये क्या बन गया हमारा जो है परिणामी R, ये हो गया हमारा A, तो R बराबर जो है A माइनस बी। अब आपको ये तो पता है, ये आपने कर लिया है, अब आते हैं परिणामी निकालने के लिए। देखिए हमने देखा था कि एक वेक्टर ये था
अगर ए है और एक वेक्टर अगर यहाँ पे हमने बी देखा था, बी इन दोनों का जो परिणामी था वो कहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे परिणामी आर बराबर ए प्लस बी, ये बन गया। इसको हमने आगे बढ़ाया था, आगे जब आगे बढ़ाया इस पे एक लंब डाला यहाँ से 90 डिग्री, और इनके बीच का जो कोण ये था दो वेक्टरों के सदिशों के बीच का कोण तो यही होगा, क्योंकि टेल और टेल यहीं जुड़ रहा है, टेल और टेल यहाँ जुड़ रहा है पूंछ और पूंछ, यहाँ तो हेड और टेल था इसके पहले, तो इसलिए इधर वाला कोण नहीं लिया जाएगा, टेल और टेल वाला लिया जाएगा, थीटा था। अब मान लीजिए कि आपको घटाना है, तो जब आप घटाओगे आपने ये क्या निकाला था, ए प्लस बी आपने इसमें निकाला था। अब अगर आप घटाओगे, मान लेते हैं ए माइनस बी अगर आप करोगे, ए माइनस बी, तो बी को पहले बदल दीजिए, बी की दिशा पहले किधर है, पहले दिशा किधर है, ऊपर है। अब इधर इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा नीचे हो जाएगी, ये बन गया कि नहीं, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस बी। अब इसका परिणामी कहाँ से होके जाएगा, ये हो गया हमारा परिणामी आर बराबर ए माइनस बी, ये बन गया, क्योंकि इधर हमारा ए था, इधर से इधर गए, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ये बन गया। अब बताइए ए और बी के बीच में कोण कितना है, हम ए और माइनस बी के बीच में, तो बी तो हमारा, ए तो हमारा इधर जा रहा था, ए ऐसे जा रहा था और बी हमारा इधर चला गया, तो अब ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, ए और माइनस बी के बीच में कोण, तो ए और माइनस बी के बीच कोण कितना हो जाएगा, इधर वाला ऊपर वाला कितना था थीटा, तो ये टोटल कितना होगा 180, ये सीधा सीधा लाइन है, समझ रहे हैं, ये पूरी लाइन है, मतलब इसको थोड़ा तिरछा बन गया, ये पूरी लाइन है, तो टोटल कितना होता है एक पे, एक पे कोण कितना होता है 180, तो एक आपको पता है, एक कितना है थीटा है, तो दूसरा आप निकाल सकते हो, दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया हमारा 180 माइनस थीटा, ऊपर वाला कितना है थीटा, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब इसके बीच में कोण कितना है, ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा। तो बस जो आपने परिणामी निकाला था, अब आर बराबर जो आपने परिणामी निकालेंगे, अब आर बराबर मॉड ऑफ ए, या फिर हम ऐसे लिखें कि आर बराबर, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ आर, इसको लिखते हैं आर ए माइनस बी, दोनों को घटा दिया, ए और बी के बीच में अब जो कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा, ये हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब पहले ए और बी के बीच में कोण कितना था थीटा, अब कितना आ रहा है ए और बी के बीच में कोण, ए और माइनस बी के बीच कोण कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा। तो ये फार्मूला होता है, अभी आपको ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कास 180 माइनस थीटा फार्मूला होता है, माइनस कास थीटा होता है, माइनस आता है माइनस यहाँ गुणा हो जाता है, तो 2ab कास थीटा हो जाता है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तब समझिएगा। तो इसका फार्मूला ये बन के आया है, अगर आपके पास माइनस हो कहीं पे, तो अब माइनस को यहाँ पे माइनस ला देंगे प्लस की जगह, बाकी सब कुछ वही रहेगा, तो आपका वो परिणामी आ जाएगा घटाने के रूप में। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान रखिए क्यों 180 माइनस थीटा लिया गया, क्योंकि माइनस के बीच में कोण निकालना था इसलिए ऐसे लिया गया। अब आते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास यस बराबर सी माइनस डी है, अब अगर आपको एस निकालना है या मॉड ऑफ एस निकालना है या मॉड ऑफ सी माइनस डी निकालना है, तो आप क्या करोगे इसका बताइए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी डी कॉस थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस है, ऐसे जो है आर बराबर अगर आपका दे दिया जाए, पी प्लस क्यू दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, मॉड परिणाम निकालना है, इसका परिणामी निकालना है, तो ये आर हो जाएगा, ये जो है पी प्लस क्यू हो जाएगा, और अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये बन गया। लेकिन अगर यही आर बराबर यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं,
आर डैश या आर बराबर कुछ भी, चलिए एस बराबर मान लेते हैं, एस बराबर पी माइनस क्यू आपको निकालना है। तो आप एस बराबर लिखेंगे, मॉड आप एस लिखेंगे, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, या जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मॉड क्या, निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, जोड़ क्या है, घटाना क्या है। तो सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना आपने घटा लिया, इसके बाद उसका परिमाण कितना आता है वो भी आपने निकाल लिया यहाँ से। तो कहीं भी इस तरीके का रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो, लिख के देख सकते हो, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और टॉपिक आता है आपका सदिशों का जोड़ना घटाना। अब हम सदिश को किस रूप में निरूपित करेंगे, ये तो आपने ऐसे ही देख लिया कि अगर दिया है तो अब ऐसे करोगे, लेकिन अब सदिश को बनाना कैसे है, कैसे उसको जोड़ के लिखना है, कैसे आगे आई जे के जो आता है वो कैसे आता है, परिमाण क्या होता है, एकक सदिश क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जो आपको हमने एक प्रॉब्लम शीट दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन अब इस थ्योरी के बाद लगना चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो अब आता है इसमें मेरा, हमने लगभग आपको ये बेसिक सी जो भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ा दी है यहाँ पे। तो ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज ये सब हो चुके हैं, आपको मैंने नोट्स दे दिया है, नोट्स को आप बना लीजिए अपनी कॉपी में और उस नियम को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा कि समांतर चतुर्भुज का, सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा परिणामी ज्ञात कीजिए। दूसरा पूछेगा कि त्रिभुज के त्रिभुज सदिशों के त्रिभुज का नियम लिखिए तथा परिणामी ज्ञात कीजिए। तो नियम देखिए, सदिशों का त्रिभुज वाला ये है, ये त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम ये है, और इसका परिणामी ज्ञात करेंगे तो ये है, ये है। ठीक है, तो ये अपना आप नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिए कैसे आया है। नहीं आता है तो आप बताइएगा, एक बार मैं फिर इसको प्रूफ करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आता है हमारा कि सदिश को आप निरूपित कैसे करते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति आपने देखा होगा, एक्स और वाई, इधर आप जानते हैं कि इधर एक्स होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, इधर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, ये आपको सिंपल सा पता है। अब अगर कहा जाए कि एक कोई ए बिंदु है जिसका निर्देशांक 3.5 है, तो आपको पता है कि पहला वाला किसका होता है, यक्ष का, दूसरा वाला किसका होता है, वाई का। तो आप यक्ष में 3 जाओगे, यक्ष में जब मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ से यक्ष पे चले हो, ये 0.0 होता है, यहाँ पे पहुँच गए 3, यक्ष में कितना चले गए आप, 3, और वाई में कितना जाना है, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। तो इन दोनों को जहाँ पे मिलाता है 3 और 5 को, वही आपका क्या कहलाता है, ये बिंदु हमारा ए कहलाता है, ए बराबर 3 और 5। इसका मतलब यक्स दिशा में कितना चलना है आपको, 3, और वाई दिशा में कितना चलना है आपको, 5। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। या तो आप ऐसा करिए, यक्स में आप चले चलिए 3, इसके बाद वाई में चले जाइए कितना, 5। तो आप जहाँ पे पहुँचेंगे वही आपका क्या होगा, निर्देशांक, इसका निर्देशांक होगा, ये क्या है, निर्देशांक, ये क्या है, निर्देशांक। अब इसी चीज को और सिंपल तरीके से और एक मान लेते हैं कि आपके पास 2.-3 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स है और ये वाला क्या है, वाई है। तो एक्स में आपको कितना जाना है, 2, चलिए यहाँ से चले हम पहुँच गए 2 पे, और वाई कितना है, -3, -नेगेटिव वाई कहाँ होता है, नीचे होता है, तो यहाँ पे -1, -2, -3, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 2, और इसके बाद कितना आ गए, -3 तक, तो यहाँ पे पहुँच गए, ये आपका क्या होगा, बी होगा 2.-3। तो हमें लगता है ये आपको पता होगा, ये आप क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ये चीज़ें सही हैं। निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है, आप बिंदु को कैसे लिखोगे इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये अगर नहीं आता आपको तो बताइएगा, मैं इसको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे लिखते हो, लेकिन
यहाँ पे समझाने पे हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि एक्स किधर जाना है, वाई किधर जाना है और कितना जाना है। अब आता है हमारा कि अब सदिश को कैसे आप लिखते हो। मैं अब एग्जांपल में आता हूँ कि जैसे आप लिखते हो कि एफ बराबर 10 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। अब ये तो देखिए परिमाण भी है दिशा भी है, तो इसका मतलब ये सदिश है, सदिश, इसका मतलब ये सदिश है। लेकिन अब आपको समस्या तब होती है कि इसको हर जगह आप ऐसे लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि जगह कम होती है। अब जहाँ भी आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि हर हमेशा ऐसे ही बताएंगे क्या कि ये 10 न्यूटन है पूर्व में है, 10 न्यूटन है उत्तर में है, 10 न्यूटन उत्तर पश्चिम में है। हर बार बताएंगे तो आपको क्या लगेगा कि लंबा जाएगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा चीज़ों को, तो बार बार लिखेंगे तो वो सही नहीं माना जाता। अब इसी चीज़ को उन्होंने जो मैथ वालों ने क्या किया, मैथ और फिजिक्स ने मिलकर एक प्रतीक बना दिया, एक प्रतीक बना दिया, चिन्ह मतलब एक प्रतीक, एक संदेश उन्होंने बनाया कि अगर ये लगा है तो इसका मतलब ये होता है। जैसे आपने रोड रोड पे चलते हुए देखा होगा कि जो है लड़के एक बोर्ड लगा होता है उसमें दो बच्चे दौड़ रहे होते हैं, या फिर जो है आपने रोड पे पट्टी बनी हुई देखा होगा, तो इस टाइप का चिन्ह बनाया जाता है कि इसका मतलब होता है कि आप एक तरफ रहिए दूसरी तरफ रहिए। अगर जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रोड है, रोड है, अब यहाँ बीच में थोड़ी लिखेंगे कि जो है एक एक तरफ चलिए, आदमी चल रहे हैं तो यहाँ पे बीच में तो लिखेंगे नहीं कि एक एक तरफ चलिए, कि दाएं वाले दाएं तरफ से चलेंगे, बाएं वाले बाएं तरफ से चलेंगे, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक पट्टी, सफ़ेद पट्टी मार देते हैं। तो सफ़ेद पट्टी का मतलब यही होता है कि दाएं वाले दाएं से चलेंगे, बाएं वाले बाएं से चलेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो हर जगह रोड पर लिखते कि दाएं वाले दाएं से चलें, बाएं वाले बाएं से चलें, तब बताइए कौन पढ़ता उसको और पढ़ता इसके बाद फिर उसको देखता, तो हर जगह लिखना भी संभव नहीं था। इसलिए क्या किया गया, प्रतीक बनाया गया। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया कि प्रतीक के रूप में जो आपने पूर्व लिखा है, पूर्व की दिशा में प्रतीक क्या है और पश्चिम में क्या प्रतीक है, उत्तर में क्या प्रतीक है और दक्षिण में क्या प्रतीक है, इस चीज़ को उन्होंने बनाया। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी मैं प्रतीक रूप में बता रहा हूँ लेकिन प्रतीक नहीं है, वो एक वेक्टर होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप प्रतीक रूप में समझिए कि जैसे अगर हमारा इधर आप जानते हो एक्स होता है, इधर आपका पता है वाई होता है, इधर आपका क्या होता है पूर्व होता है, इधर आपका क्या होता है पश्चिम होता है, पश्चिम इधर जो है आपका माइनस एक्स भी होता है, इधर आपका क्या होता है उत्तर होता है और इधर आपका क्या होता है दक्षिण होता है, प्लस और माइनस आपको पता है। तो पूर्व दिशा में जो प्रतीक बनाया गया वो क्या बनाया गया, आई कैप, आई इसको कैसे पढ़ेंगे, आई कैप, कैप मतलब टोपी, इसके ऊपर देखिए टोपी लगी हुई है, आई आप जानते हो कैसे लिखते हो, क्योंकि इधर धनात्मक है तो धनात्मक, इधर आपका निगेटिव होता है तो इसलिए माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। ऊपर जो होता है ये हमारा जे होता है तो इसको बोलते हैं जे कैप, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, जे कैप, जे लगाइए ऊपर जो है टोपी टाइप में ऐसे बना दीजिए, तो इसको पढ़ेंगे जे कैप। तो जो भी रहेगा अब आप कैप लगा देंगे, बाकी जो शब्द रहेगा उसको पढ़ेंगे। नीचे निगेटिव होता है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, तो ये बन गया। अब अगर कहीं पे अब देखिए, अब आपको ये तो आप लिखते थे तो इस पे सदिश नहीं लगाते हो, ये क्या बताता है, परिमाण, परिमाण बताता है, 10 न्यूटन का बल जो है पूर्व दिशा में लगा है, दिशा यहाँ पे हो गई, परिमाण ये हो गया, तो टोटल मिला के क्या बन गया हमारा, सदिश बन गया। लेकिन अब अगर अब इतना लिखने की हमने कहा था जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है कि जब आप पूर्व दिशा की बात कर रहे हो तो ये वाला लगा दीजिए, पश्चिम की बात कर रहे हो तो ये वाला लगा दीजिए, पूर्व में ये पश्चिम में ये, उत्तर की बात कर रहे हो तो ये वाला लगा दीजिए, दक्षिण की बात कर रहे हो तो ये वाला लगा दीजिए। तो जैसे आप पूर्व की बात करोगे तो f बराबर पूर्व में कितना आप जा रहे हो, 10 न्यूटन, 10
और यहाँ पे आई लगा दिया हमने, आई यहाँ पे। अब ये हो गया सदिश, ये क्या है सदिश, पूर्व की दिशा में सदिश, ठीक है। तो जब इधर सदिश हो गया तो इधर भी सदिश रहेगा। अब ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे। तो अब ये आपको बता रहा है कि एक बल है जिसका परिमाण कितना है 10 न्यूटन, और वो किधर है पूरब की दिशा में। तो आपको इतने से ही काम हो गया कि F बराबर कितना आ गया 10i। तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पूर्व दिशा में सदिश। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अब आपको यहाँ से करना क्या है कि आई, आई क्या है, मैं एक लिख दूंगा बाकी आप समझ लीजिए यहाँ से। तो ये आई क्या है, पूर्व दिशा में एकक सदिश, एकक सदिश। अब एकक का क्या मतलब है मैं आगे पढ़ाऊंगा, एकक सदिश, एकक सदिश। और जे क्या है, जे क्या है, अच्छा या इसी को हम एक्स, एक्स एक्सिस पे एकक सदिश पूर्व दिशा में, या धनात्मक, धनात्मक एक्स एक्सिस में एकक सदिश, एकक सदिश, दोनों एक ही चीज है, एक्स एक्सिस और पूर्व दिशा एक ही होती है। ऐसे जे बताइए, जे क्या है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में धनात्मक उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में एकक सदिश, एकक सदिश, ये होता है एकक सदिश। अब माइनस डे किधर हो जाएगा, जो है धनात्मक उत्तर तो लिख ही दिया है, या धनात्मक वाई दिशा में, धनात्मक वाई दिशा में एकक सदिश, एकक सदिश, ये हो गया। अब अगर आपसे पश्चिम में पूछे या फिर नेगेटिव वाई में पूछे तो आप कितना बताओगे, माइनस आई, और ये कितना बताओगे, माइनस जे। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि आपने देख लिया कि इधर कितना होता है आई, इधर कितना होता है जे, इधर कितना होता है माइनस आई, इधर कितना होता है माइनस जे। अब अगर आपसे बल पूछ ले कि ये 3 न्यूटन का जो बल है वो लगा हुआ है ये, तो आप बता दोगे इसको देख के ये किधर लगा हुआ है, पूर्व में। यह बराबर अगर हम ऐसे कर दें तो ये किधर लगा हुआ है, ये पूर्व में था, या फिर धनात्मक एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, ये किधर है, पश्चिम में, या फिर नेगेटिव एक्स में, या ए बराबर अगर हम ऐसे लिखें 3j लिख दें, गुणा कर रहे हैं उसी में गुणा है, ठीक है। तो ये किधर हो जाएगा, उत्तर में, और या फिर धनात्मक वाई में, या एफ बराबर अगर हम माइनस जे लिख 3j लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया कि दक्षिण में, या फिर नेगेटिव वाई में। तो ये तीनों बात आपको समझ में, अब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो है आप यह बराबर 3i लिखो लिख रहे हो, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ बराबर, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर जो है हमारा सदिश है, तो इधर भी क्या होगा आपका सदिश होगा। तो एफ बराबर 3 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, चाहो आप ये लिखिए चाहो ये लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर इस चीज को, ये हमेशा ध्यान दे के चलिए, अगर आपका दाहिने, अगर दाहिनी तरफ सदिश है, तरफ सदिश है, सदिश है, तो बाएं तरफ भी सदिश होना चाहिए, भी सदिश होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, बाएं तरफ भी सदिश होना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो f बराबर 3i, तो i क्या है सदिश है, लेकिन इस तरफ क्या है, ये तो हमारा दाहिना है, ये हमारा बाएं, बाएं तरफ सदिश बना नहीं। हमने बताया था ना सदिश कैसे बनता है, कोई भी राशि हो
कोई भी प्रतीक हो उसके ऊपर आप वेक्टर लगा दोगे तो सदिश बन जाएगा। तो 3i अब सही है, इधर भी सदिश इधर भी सही। अब अगर अगर एक तरफ अदिश है दूसरी तरफ भी अदिश होना चाहिए, यही तरीका है। अगर सदिश है तो सदिश, अदिश है तो अदिश। तो आपको हमें लगता है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रतीक के रूप में आप कैसे लिखते हो। अगर आपको f बराबर यहाँ पे 10 10 जो है i लिखते हैं तो इसका मतलब 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में। अगर वेग v बराबर अगर हम लिखते हैं वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे i मीटर पर सेकेंड, मात्रक हर जगह रहेगा, न्यूटन यहाँ पे रहेगा, मात्रक हर जगह रहेगा, मात्रक लिखा रहेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड किधर लगा हुआ है, किधर जा रहा है, पूरब की दिशा में या फिर धनात्मक एक्स एक्सिस में। अब दोनों को जोड़ के कब आएगा उसको मैं नेक्स्ट वाली जो है, जैसे वी बराबर ऐसा दे दे, चलिए उसको देख भी लेते हैं। अब आपको हमें लगता है ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि पूरब और पश्चिम में क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको समझ में आता है। या ऐसे कर लें वी बराबर -15j कर लें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में वेग इतने मीटर प्रति सेकंड है ऐसे, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव जे किधर होता है वो आपको पता है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा दे दे 10i + 2j, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किधर है, ये जो है आपका धनात्मक एक्स एक्सिस में है और ये वाला किधर है, धनात्मक वाई एक्सिस में। ये बात समझिए, दोनों को जोड़ के लिख दिया। या फिर बल बराबर हम कहें कि यहाँ पे 3 न्यूटन, सॉरी ये आई 3i + 2j, यहाँ पे इतने न्यूटन का बल अगर हम कहें तो इसका मतलब एक्स की दिशा में कितना बल है, 3 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये वाला वाई की दिशा में कितना है, 2 न्यूटन पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई जे के ये तीनों समझिए, अभी के भी आएगा, अभी तो आई और जे आया है, के आएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम मान लें संवेग है -3i - 2j, ऐसे कर ले, संवेग का मात्रक होता है kg m/s, तो इसका मतलब है कि ये जो है किधर है, हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है या फिर पश्चिम में है, और ये वाला किधर है, हमारा नेगेटिव वाई में है या फिर दक्षिण में, कोई भी आप कहिए, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, तब तक आप जो है इसको नोट करके अपने मन से इसको हर जितना मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखते चलिए कॉपी में, और उसको दिन में 2-3 बार डेली जो है, हर दूसरे तीसरे दिन 3-3 4-4 बार उसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए, जिससे आपको देखते देखते इतना कॉमन हो जाए वो कि आपको लगे ही नहीं कि ये क्या है। क्योंकि जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आप उसको देखते देखते एकदम परिचित हो जाओगे, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप चीज़ों को समझ जाते हो कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। क्योंकि देखिए, जब आपके जितनी ज़्यादा आपके चीज़ें दिमाग में स्टोर होंगी उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा। तो फिजिक्स में चीज़ों को आप ध्यान रखिए, याद रखिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये पूरब में है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है, ये बल है, तो दोनों तरफ अदिश है तो दोनों तरफ अदिश होगा, एक तरफ अगर दोनों तरफ एक तरफ अदिश है तो एक तरफ भी अदिश होगा, एक तरफ सदिश है तो एक तरफ सदिश होगा। तो इस टाइप का आप दिमाग में हमेशा बना के चलिए, और परिणामी निकालना हमने आपको बता दिया, और निगेटिव का परिणामी आप कैसे निकालते हो उसको बता दिया। अब मैं आई जे के एकक सदिश पे आ गया, अब मैं एकक सदिश को और विस्तार में बताऊंगा, और यहाँ पे हमने आपको प्रतीक रूप में बता दिया कि ये क्या बताता है, इसको भी आपने समझ लिया कि पूरब में कितना है, पश्चिम में कितना है, या धनात्मक में कितना है, उसमें ऋणात्मक में कितना है। अब मैं परिमाण की बात करूंगा, एकक सदिश की बात करूंगा, जो आई जे के आपने लिखा है वो है क्या, आई जे आपने जो लिखा है वो क्या, एकक सदिश क्या होता है, परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण के बाद जो है दिग्गजाय कोण, ये सब हम आगे देखेंगे। तो आप सीट में अब देखेंगे कि आई जे के आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन आप हो सकता है नहीं कर पाए, या पहला वाला क्वेश्चन कर लेंगे जो सीट में दिया हुआ है,
तो आप कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है नेक्स्ट वाली क्लास में सारी चीज़ें पढ़ा दें, जिससे आप सीट के क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा।